ऐतवार 28 मई नूं भारत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश दी नवीं संसद दी नवीं इमारत दा उद्घाटन कीता, देश नूं इह समर्पित कीती ते दूसरे पासे दिल्ली दे विच ही पलवाना दा संघर्ष है जिहड़ा ओह महीने तों वध समय तों चल रहा है। एक पासे ऐतवार नूं सरकार दे वल्लों नवीं संसद दे उद्घाटन करन दा प्रोग्राम सी, दूसरे पासे इसे दिन ही पलवाना ने नवीं संसद दे सामने अपनी महिला महापंचायत करन दा ऐलान कर दिता सी। जाहिर तौर पर पुलिस ने इन्हां नूं रोकना ही रोकना सी, क्योंकि सरकार दा इन्ना वड्डा प्रोग्राम होवे उत्थे आम लोग जां फिर खास लोग किसे नूं भी प्रदर्शन करन दी इजाजत पुलिस जां सरकार नहीं देवेगी। सो पलवान जदों ही संसद भवन वल वधन लगे, जंतर मंतर तो चले तां उन्हां नूं हिरासत दे विच लै लिया, पुलिस दे नाल धुक्का धक्का मुक्की तो बाद सारे पलवाना नूं डक लिया दिल्ली बॉर्डरां दे उत्ते। दिल्ली तो बाहरों आने वाले किसानों नूं रोक लिया गया, पुलिस ने किसान लीडरां नूं हिरासत दे विच लै लिया। पंजाब ते हरियाणा तो इत्थे वड्डी गिणती विच किसान पहुंचे पर राहां दे विच रोक लए गए ने। गाजीपुर बॉर्डर ते तां रैपिड एक्शन टीमां तैनात कर लईआं गईआं ने। ताज़ा जानकारी दे मुताबिक नवे संसद भवन के मूहरे महिला पंचायत करन दे लई जा रहे पलवाना नूं पुलिस ने हिरासत विच लै लिया। इन्हां दे विच पलवान साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया ते विनेश फोगाट सने बाकी सारे पलवान ने जिन्हां दी पुलिस नाल बहस हुई। अगे जाणा चाहुंदे सी, पुलिस ने नहीं जाण दित्ता ते फिर इन्हां नूं हिरासत विच लै लिया। सो जिथे एक पासे देश दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवे संसद भवन का उद्घाटन किया, उत्थे ही देश दे नामी पलवाना ने सरकार नूं घेरन दी कोशिश की। हरियाणा ते पंजाब तो दिल्ली कूच कर रहे किसानां खा पंचायतां ते जथेबंदियां दे खिलाफ पुलिस की वड्डी कार्रवाई चल रही है। वड्डी गिणती विच तैनात पुलिस दे वल्लों महापंचायत विच शामिल होण पहुंचे कई लोगों नूं रोकण दे लई हिरासतां दे विच वी लिया गया। दिल्ली के दो मैट्रो स्टेशनों के एंट्री ते एग्जिट गेट बंद कर दिए गए ने। केंद्रीय सकत्तरेत ते उद्योग भवन मैट्रो स्टेशनों के सारे जिहड़े लंघण वाले अंदर दाखिल होण वाले दरवाजे ते बाहर निकलण वाले दरवाजे दिल्ली मैट्रो पुलिस दी हदायतों तों बाद बंद कर दिए गए यात्रियों के लिए। पर दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन इंटरचेंज सहूलत उपलब्ध ने। पलवाना के संघर्ष देखद सिंघू बॉर्डर से एक स्कूल दे विच आरजी जेल भी कहते बना दी गई है ताजो आने वाले किसान मजदूर डकया जा सके। पंजाब ते हरियाणा तो वड्डी गिणती विच किसान धरना स्थान ते पहुंचण दे लई रवाना होए सी महिला पलवाना दे समर्थन दे विच, पर किसानां नूं दिल्ली तो आउण तो रोकण लई गाजपुर सरहद ते वड्डी गिणती विच रैपिड एक्शन टीमां तैनात कर दित्तियां गईआं अते इसे तरह पंजाब ते हरियाणा तो आउण वाले किसानां नूं दिल्ली जाण तो रोकण लई हरियाणा पुलिस ने भी वड्डी पद्धर ते बैरीकेडिंग कीती। किसान ते खाप लीडरां हरदीप अहलावत अते महिंदर नंदाल नूं हिरासत दे विच लिया, इसे तरह ही गुरनाम सिंह चड़ूनी नूं भी हिरासत विच लए जाण दी खबर मिली। शनिचरवार नूं पंजाब दे ब्यास तो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की अगवाई दे विच बीबियां ते पुरश किसानां दा वड्डा जत्था दिल्ली नूं रवाना हो गया सी। इस काफले दा रात नूं पड़ाव वाला दे इतिहासक गुरद्वारा मंजी साहिब सी तां कि तड़के इथों निकल के इह दिल्ली पहुंच सकण, पर देर रात जदों किसानां ने देखिया तां पूरे गुरु घर नूं हरियाणा पुलिस ने घेरा पा लिया सी तां कि किसान इथों निकल ना सकण, दिल्ली वल ना जा सकण। हरियाणा की पुलिस ने अंबाले के मंजी साहब गुरुद्वारे के सामने भारी बैरीकेडिंग करके जंतर मंत्र जाण वालियां औरतों के काफले नूं जदों रोक दिता तां किसान इत्थे ही धरना ला के बैठ गए। सो अपनी मंगां नूं लै के धरने ते बैठे पलवाना ने देश की नवीं संसद के उद्घाटन मौके जंतर मंत्र तो नवीं संसद तक मार्च कढ़न अते संसद के मूहरे फिर महिला महा पंचायत करन दा ऐलान कर दिता सी। पूरे देश का समर्थन मंगिया सी, इत्थे सद्या सी सब नूं, पर दिल्ली पुलिस ने भी पूरियां तैयारियां कर रखियां सी। पलवाना के समर्थन में पहुंच रहे किसानों नूं सख्त नाकेबंदी करके पंजाब हरियाणा ते यूपी दीआं सरहदां ते ही रोक दिता गया। भारतीय किसान यूनियन की हरियाणा इकाई के सूबा प्रधान गुरनाम सिंह चड़ूनी नूं कुरुक्षेत्र दे विच हरियाणा पुलिस ने ऐतवार सवेरे हिरासत दे विच लै लिया सी ते चड़ूनी ने लोगों नूं शांति बनाए रखने की अपील की। गिरफ्तार कर रहे हैं ये भाई जो है, ये सारे पुलिस वाले हैं, सिविल में हैं, तो मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है और भी बहुत से साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरा अनुरोध है आप सबसे कि आपने शांति बनाए रखनी है, कहीं जाम वगैरह नहीं लगाने, हो सकता है शाम को छोड़ें क्योंकि जो दिल्ली का प्रोग्राम है उसको फेल करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। हमने अपने प्रोग्राम पे जो दिल्ली प्रोग्राम है सभी ने उस पे ध्यान देना है और कहीं जाम वगैरह आज नहीं लगाने ताकि लोग परेशान ना हो और
किसी तरह की अव्यवस्था ना फैले। जंतर मंत्र ते भी वड्डी गिणती दे विच सुरक्षा तां शनिचरवार रात तो ही वधा दित्ती गई सी। हालांकि सुरक्षा ते इत्थे हर वेले तैनात रहिंदी है, पर इस नूं हुण होर वधा दित्ता गया अते तिन्ने पलवाना समेत बाकी जिहड़े पलवान संसद भवन वल जाण दी कोशिश कर रहे सी उहनां नूं हिरासत विच लै लिया सी। उस तों पहलां पलवान बजरंग पुनिया ने दस्सिया सी कि पुलिस ने हर पासे बैरीकेडिंग कर दित्ती है, सानूं हर पासे रोकण दी कोशिश कीती जा रही है, पर इह महापंचायत हो के रहेगी। उन्होंने दस्सिया कि हरियाणा तो आ रहे लगभग 2000 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया, कई घरों में पुलिस बिठा दी गई है ताकि सानू समर्थन देने वास्ते ये लोग ना आ सकन। पूनिया ने रोस जाहिर किया कि एक पासे जिस व्यक्ति ते इल्जाम लग रहे ने उसनू 15-15 लाख का इकट्ठ करने की इजाजत दी जाती है, पर दूसरे पासे देश की एक धी अपने लिए जो इंसाफ मंग रही है तो उस दे नाल इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पे पूरी पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग कर दी और हमारे बहुत सारे लोगों को 1000-2000 लोगों को तो डिटेन कर चुके हैं, चाहे वो हरियाणा में हो, दिल्ली में हो, कहीं पे भी हो, उनके घर पे पुलिस बैठा दी है। और जो लोग बोल रहे ना कि आज ब्रजभूषण कि भाई मैं 15 लाख आदमी इकट्ठे कर दूं, जिस पे आरोप लग रहे हैं उसको तो ये आजादी दे रहे हैं। और यहाँ एक जो ये देश की बेटी है जो न्याय मांग रही है उनके साथ ही ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, और आज लोकतंत्र का तो उद्घाटन कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो महापंचायत होके रहेगी, बिल्कुल होके रहेगी महापंचायत। ते हिरासत विच ले जाने तो पहला पलवान विनेश फोगाट ने भी अपने ट्विटर हैंडल तो एक वीडियो जारी करदिया दस्सिया सी कि जंतर मंतर ते शरेआम लोकतंत्र का कतल हो रहा है। एक पासे लोकतंत्र के नवे भवन का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी ने, दूसरे पासे साडे लोकां दीआं गिरफ्तारियां हो रही ने। जैसे कि आप सबको पता है कि आज हमारा नई संसद के सामने महिला सम्मान पंचायत समारोह करने का प्रोग्राम है, और जितने भी किसान संगठन हैं, महिला संगठन है, छात्र संगठन है, जितने भी हमारे खाप पंचायत के बड़े बुजुर्ग हैं सबको पुलिस ने डिटेन कर लिया है। जितने भी बड़े बड़े नेता थे सबको डिटेन कर लिया गया है, कल रात से उनको डिटेन किया जा रहा है, और हमें यहाँ भी कैद कर लिया है, बिल्कुल जैसे जेल में हमें डाला हुआ है। पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आज नई संसद का उद्घाटन चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन कर रहे हैं, और एक तरफ यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है, देश की बेटियाँ इंसाफ के लिए रोड पे बैठी हुई हैं, उनको इंसाफ मिलने की बजाय उन्हीं को ऐसे प्रिटेंड किया जा रहा है कि वही दोषी हैं और उन्होंने ही गुनाह किया है। बिल्कुल छावनी में तब्दील कर दिया गया है, और देश याद रखेगा इस बात को, जब नई संसद का निर्माण हो रहा था, संवैधानिक निर्माण करने की बात चल रही थी नए संविधान की, उस टाइम देश की लड़कियों की जो न्याय की लड़ाई थी उसको दबाने की पुरजोर कोशिश की गई थी। इस तो भी पहला शनिचरवार रात नूं पलवाना ने मीडिया नूं संबोधन किया सी। विनेश फोगाट ने दस दिता सी कि पुलिस ने सारी नवी दिल्ली नूं बंद कर दिता है, पर साडी सब नूं बेनती है कि शांतिपूर्ण महिला सम्मान पंचायत दे विच तुसीं जरूर पहुंचो, भावें पुलिस साडे ते किसी भी तरह के बल का प्रयोग करे, पर असीं सब सहन करांगे, बिना किसी हिंसा दे करांगे। भावुक हुंदिआं फोगाट ने कहा सी कि सब ने इस पंचायत विच जरूर पहुंचना है, क्योंकि देश दीआं धीआं दा सवाल है, असीं सब बड़ी मुश्किल दे विच इत्थे बैठे होए हां। पुलिस ने कल सारी नई दिल्ली को बंद कर दिया है, लेकिन सभी से अनुरोध है कि आप शांतिपूर्ण महिला सम्मान महापंचायत में जरूर पहुंचे। पुलिस हमारे ऊपर किसी भी तरह के बल का प्रयोग करें हम सब सहेंगे, लेकिन बिना कोई हिंसा के हमें आगे बढ़ना है, और कल होने वाली पंचायत में जरूर पहुंचना है, देश की बेटियों का सवाल है। इस दरमियान जे पुलिस की गल कर लिए, पुलिस ने भी प्रतिक्रिया दिती है। स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस दीपेंद्र पाठक ने कहा कि असी अपने खिडारियों का पूरा सम्मान करते हैं, पर असी संसद के नवे भवन के उद्घाटनी समारोह दे विच किसी भी तरह की रुकावट पैदा नहीं होने दे सकते। जो हमारे खिलाड़ी हैं उनका हम आदर और सम्मान है, लेकिन जहां तक ये इनॉगरेशन है, इस इनॉगरेशन में किसी भी तरह का विघ्न या बाधा हम नहीं होने देने पाएंगे। उसके लिए चाहे हमें बात करनी पड़े उनसे, या हमें एक अपनी प्रेजेंस रखकर उनको रोकना पड़े, वो हम करेंगे। सो एक पासे संसद की नवी आलिशान इमारत जिथे बह के लोगों के चुने हुए नुमाइंदे लोगों की किस्मत लिखते हैं कि उन्होंने सरकार ने की देना है की नहीं देना, दूसरे पासे इसे सरकार के एक लीडर के खिलाफ जिनसी शोषण के इल्जाम दे विच इंसाफ की मांग कर रही साडे मुल्क दियां बहादुर भलवान धीआं ने, जो इस कथित गंदी सोच वाले लीडर नूं जेल भिजवाउणा चाहुंदियां ने। पर समझो परे दी गल है कि इन्हां धीआं नूं सरकार तक पहुंचाउण दे लई अपनी आवाज़ आखिरकार होर किन्ना क उच्चा करना पवेगा, किन्ना क मजबूत ते किन्ना क बुलंद करना पवेगा। धन्यवाद।